जानते हैं सारा का वजूद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जब वो सामने आती है तो मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है ऐसे। यार तुम्हारी इनसिक्योरिटी का मेरे पास कोई इलाज नहीं। एहसन आप ही के पास तो इसका इलाज है, आप ही को तो पता है ये। यार बंद करो ये रोना, नफरत है मुझे तुम्हारे इन आंसुओं से। अच्छा सॉरी, चलो और चाय पीते हैं। मैंने खुद बनाई है सारा के लिए, मेरे लिए नहीं। यार वो यहां से जा चुकी है, नहीं है वो यहां पर। सारा के लिए बनाई गई चाय हराम है मुझ पे, नफरत है मुझे उससे। उसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, मेरा शौहर चुरा लिया मुझसे एहसन। यार वहम है तुम्हारा, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ है। लेकिन सारा हमारे दरमियान हमेशा कुंडली मार के बैठी रहती है, जहर घोल दिया उसने हमारे रिश्ते में। स्टॉप इट, खुदा के लिए बस कर दो। ये सब मेरी वजह से है ना, मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार आई। ना तुमसे निभा सका और ना ही तुम्हारे साथ किए गए वादे वफा कर सका। ये सब मेरी वजह से है, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए तुम दोनों के बीच में से। नहीं ऐसे सुन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उज़्मा रोको ना इसको, तुम रोकती क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं, ऐसे Thank you.
पहने दो। अभी ना बहे तो नासूर बन जाएंगे। मैं तो समझता रहा कि तुम मुझे भूल चुकी होगी। कोई सांस लेना भी भूल सकता है क्या? तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम तुम्हें पसंद है ना अभी भी? अभी भी से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुमसे मोहब्बत थी, मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। तुम उस माँ को हमारी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? मैं कब तक उसे बर्दाश्त करती रहूंगी? मुझसे अब सहा नहीं जाता। मुझे डर लगता है कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और उसमें मेरे पास तुम्हारे वहमों का कोई हल नहीं। तुम्हारे पास ही तो हल है। प्लीज ऐसन छोड़ दो ना उसको मेरी खातिर। उज़्मा बता रही थी कि जब तक वो तुम्हारे बाजू पे सर ना रखे उसे नींद नहीं आती। कौन सा बाजू? बाएं या दाएं? ये तुम किन बातों में पड़ी हुई हो? कैसी अहमकाना बातें कर रही हो? बाएं याद आए? मुझे क्या पता कि जब मैं सो जाता हूँ तो वो मेरे किस बाजू पर? ऐसा मुझे एक रात दे दो, मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के सोना चाहती हूँ। सारा चंद घंटे, चंद लम्हे। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत करके तुम्हारे साथ जुल्म किया है। तुमने कहा की मोहब्बत? मोहब्बत तो मैंने तुमसे की। ये जुर्म तो मैंने खुद पे किया, अपनी बर्बादियों तबाहियों की जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देता तो कितना अच्छा होता। तरस खाया था तुमने मुझ पर। मुरव्वत में मोहब्बत का इकरार किया था, याद है ना? याद है। मेरे इनकार करने पर तुमने मेरा हाथ झटके से छुड़ाया और सड़क की तरफ भाग पड़ी। अगर मैंने भागकर तुम्हें ना बचाया होता तो अच्छा होता। ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे उस्मा, उस्मा की आवाज, उस्मा की मोहब्बत भरी बातें सब कुछ बुरा लगने लगा। छोड़ तो तुम तब भी नहीं उसे सके। कैसे छोड़ दूं उसे मैं? मुझसे मोहब्बत करती है वो। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ। मेरी एक आवाज पे दौड़ी चली आती है वो। तुम एक बार आवाज तो देख कर देखो। सिर्फ एक बार। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें चलना चाहिए। उस्मा किसी भी वक्त आती होगी। वो तो इस वक्त ऑफिस होती है।
कभी कभी जल्दी आ जाती है, और जब मैं घर होता हूं तब तो जरूर। वो आ गई है, तुम जाओ प्लीज, मैं तुमसे कल मिलूंगा, प्रॉमिस। तुम जा क्यों नहीं रही? मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब मैं नहीं जाऊंगी? मैं खुद से एक वादा करके आई। क्या वादा? कैसा वादा? मैं उज़्मा को सब बता दूंगी कि मैं और तुम एक दूसरे को चाहते हैं। और तुम पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। नहीं सहा जाता मुझसे मोहब्बत का दर्द। मैं जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम उज़्मा से कुछ भी कहो। क्यों हसन, क्या तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं है? वक्त आने दो, मैं उसको सब कुछ खुद ही बता दूंगा। कौन सा वक्त? कैसा वक्त? मत बहलाओ मुझे। गुस्सा छोड़ो, आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। समीना, ओ समीना। जी बाबा जी। ये क्या है? कागज बाबा जी। कहाँ से आया कागज? टिश्यू पेपर से पेट साफ कर रही थी, उसी का टुकड़ा होगा। ओ मेरे अल्लाह। तुम कब आई? बहुत देर हो गई। आप बोरियत हो गई होगी अकेले में ऐसे, तो किसी ने चाय वाय भी पूछी है क्या? बोरियत कैसी, तुम्हारे शोहर की कंपनी बहुत अच्छी है। क्या? हाँ अभी चाय बनाने गए, अभी तक वापस ही नहीं आए। ये क्या है? देख लो। तुम तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? वो तो तुम्हारा अपना वहम है, वो अब कभी नहीं आएंगे। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा शोहर छोड़ के चला गया। और तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत मुझे छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास बचा ही क्या है,
मेरा सुकून, मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा शोहर, सब कुछ तो छीन लिया तुमने। तुमने भी तो मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे पास तो फिर उसके बख्शे हुए दिन और रातें थी, मेरे पास तो सिर्फ उसकी उम्मीद थी कि शायद वो किसी दिन मेरा हो जाए। तुमने वो भी खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, तुम क्यों जिंदा हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सारा, नहीं सारा, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, नहीं रहने दिया ना तुम्हें। मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे एहसान को मुझसे छीन लिया। तेरे तीन दुश्मनों से तेरे तक काम ले लिया, एक बुड्ढा रह गया है, वो भी कुछ दिनों का मेहमान है। मुझे तो पहले नहीं शक था कि मेरा खानदान तो बर्बाद करने में तुम्हारा बड़ा हाथ है। मेरी तो जिंदगी आप सबने बर्बाद कर दी। सोने के हार चोरी का इल्जाम लगाकर आपने मेरे हीरे जैसी मां को मरने पे मजबूर कर दिया और उसने खुदकुशी कर ली और आपको हरारा के लोगों पर से मिल गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुढ़े तू क्या मुझे मारेगा? तू तो खुद दो पलों का मेहमान है।